हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूई सेमेस्टर थर्ड सेशन 21-24 में पढ़ते हैं, आप सभी बच्चों की देखिए परीक्षा समाप्त हो चुकी है। परीक्षा खत्म होने के बाद आप लोग फिर से एक बार रिलैक्स मोड में एज यूजुअल चले गए होंगे, क्योंकि फरवरी में बोलिएगा अभी तो हम लोग सर सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया था, सेमेस्टर 3 का परीक्षा भी दीजिए, अब हम लोग को थोड़ा शांति से तो रहने दीजिए। भैया मैं आपको शांति से रहने देने वाला कौन होता हूँ, ये तो हमारे यूनिवर्सिटी को देखिए आपको शांत रहने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम होगा सेमेस्टर 3 खत्म हो चुका है, आपका सेशन खत्म होने में आपको मालूम होगा लगभग 1 साल कुछ महीने बाकी हूँ, चलिए मान के चलता हूँ। तो आप सभी बच्चे जो भी यूवी सेमेस्टर 3 में है 21-24 सेशन में, ठीक है, अभी आपका देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम का रूटीन अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं किया गया, और बच्चों का लगातार एक कमेंट आ रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब जारी हो जाएगा। तो बता दीजिए जरा सा पहला बात तो एक कि बिना प्रैक्टिकल एग्जाम के यूनिवर्सिटी वाला क्या कोई भी आपको रिजल्ट कैसे जारी कर देगा, पहले एक बता दीजिए। तो जो भी बच्चा देखे रिजल्ट के लिए पगला रहा, पहले तो प्रैक्टिकल एग्जाम का देखे जब तक रूटीन नहीं आएगा तब तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है आपको मालूम होगा। पिछले बार आपका दिसंबर के लगभग लगभग आसपास में आपका परीक्षा खत्म हुई, स्टार्टिंग में रिजल्ट जारी कर दिया गया था सरस्वती पूजा के एक दो दिन पहले, जनवरी में जारी किया, लगभग 2 महीना से भी लगता है। तो अगर 2 महीना मैं मान के नहीं चलो, अभी मार्च में एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, तो मान के चला जाए तो अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल के देखिए जो लास्ट वीक होगा उस टाइम आपका रिजल्ट जारी कर देगा यूनिवर्सिटी। अभी मई मार्च लगभग खत्म ही हो गया, अप्रैल का लास्ट वीक बोलिएगा या तो लिख दीजिए, चलिए लिख देता हूँ मई का स्टार्टिंग वीक, 15 मई डेट रख लेते हैं, अप्रॉक्स डेट मान के चलते हैं 15 मई मान के चलते, इस दिन आपका जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी जारी कर देगा, एक अप्रॉक्स यहाँ मान लिए। अब इसके बाद देखिए क्या आप सही बच्चों को मालूम होगा सेमेस्टर 3 आपका समाप्त हो गया, सेमेस्टर 4 फिर से आएगा, फिर से सेमेस्टर 4 में आप सही बच्चों का पहले इस बार 3 पेपर होता था, अब पता कितना पेपर होगा। सेमेस्टर 1 और 2 आपने एक एक सॉरी दो दो ऑनर्स पेपर दिए, एक मैथ जेनिक हो गया, एक जेनिक पेपर हो गया, एक आपका सिक पेपर हो गया, टोटल 4 पेपर। सेमेस्टर 3 में इस बार आपका 2 ऑनर्स पेपर था, एक तीन पेपर हो गया था मैथ में, ऑनर्स पेपर अगर आपका होगा तो 3 पेपर होगा, एक जेनिक पेपर हो गया, एक एसीसी पेपर हो गया, टोटल 5 पेपर हो गया। सेमेस्टर 4 में फिर आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा पेपर, क्यों? क्योंकि ऑनर्स पेपर भी आपको पढ़ना है, साथ में एक्स्ट्रा पेपर भी आपको पढ़ने हैं, तो ये सारा का सारा पेपर आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा। ऑनर्स पेपर भी है और साथ में जो बीएससी पेपर मिलता है वो भी आपको मिल जाएगा अवेलेबल, तो वो सारा का सारा पढ़ना है। फिर आपका इस बार देखिए सेमेस्टर 4 में ये जेनरिक पेपर और आपका जो सेक पेपर है बस यही सेमेस्टर 4 तक साथ में रहेगा, इसके बाद ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो पूरा खत्म हो जाएगा। सेक पेपर वाला और जेनरिक पेपर वाला, सेक पेपर वाला जो आपका सिस्टम है ये पूरा देखिए खत्म हो जाएगा, सेमेस्टर 4 के बाद कुछ नहीं होगा। अब कोई बच्चा देखिए एक एक बच्चा को यही बात कर, सर अगर हम एक पेपर फेल हो जाए तो क्या होगा? तो भैया अगर आप एक ऑनर्स पेपर फेल हो गएगा तो आपको सारे ऑनर्स पेपर थर्ड देना पड़ेगा। अगर आप सेमेस्टर 3 के कोई ऑनर्स पेपर, सिर्फ ऑनर्स पेपर बोल रहा हूँ, ऑनर्स में फेल हो गया तो तीनों आपको देना पड़ेगा। सेमेस्टर अगर सिर्फ मैथ जेनरिक में फेल होइएगा मान के चलते जेनरिक आपको देना पड़ेगा, सेक पेपर फिर सेक देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनर्स पेपर फेल होते तो आपको जितना भी ऑनर्स पेपर है, 2 को पेपर है तो दोनों देना पड़ेगा, 3 को पेपर तीनों को देना पड़ेगा, याद रखिए ये बात। तो ये रहा आपका जेनरिक और आपको सेक पेपर इसी बार रहने वाला है सेमेस्टर 4 में, और आपको मालूम होगा सेक पेपर फिर से आपको दिक्कत करेगा इस बार। तो सेक पेपर बहुत सारा बच्चा का देखिए, मैंने आप सभी बच्चों को जो ईपीएस का वीडियो था इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का, उसका मैंने आपको जितना सिलेबस था उसका 80% कंप्लीट करवा दिया था, 20% देखिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि 80% का वीडियो को जब मैंने बनाया था लगभग 30 मिनट का वो वीडियो था मेरे पास बनाया हुआ, उस वीडियो को बनाने में आप लोगों को शायद मजाक लगता होगा, उस वीडियो को बनाने में 4 से 5 दिन का समय लगा है, वो पूरा कंटेंट मुझे रेडी करने में, उस वीडियो को मैंने बनाया अपलोड किया जिस टाइम, उस टाइम लगभग शायद कुछ 500-700 बच्चों ने देखा होगा। एग्जाम के दिन वो वीडियो आते आते लगभग 5000 बच्चों ने देख लिया, 5000 स्टूडेंट्स ने देख लिया। अगर मुझे बता दीजिए कि अगर मैं पहले भी बना भी देता हूँ क्या फर्क पड़ जाएगा, एग्जाम के 5 दिन पहले बनाता हूँ तब ये हाल है 400-500 बच्चा देखता है, तो जब एग्जाम का दिन आता है 2 दिन पहले उस टाइम बच्चा देखता है 4000-5000, तो बना के भी देखिए क्या फायदा होने वाला, आप खुद बता दीजिए, तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ देखिए पहले नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ा के क्या करूंगा। और इस बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स को लेकर मैंने बहुत मैच वो पेपर बनाया था, वो पेपर तो मेरा गजब का पिटा है, पिटा मतलब क्या आखिरी पिटा, क्यों? उसमें भी देखे 30 मिनट का लगभग कंटेंट था, वो कंटेंट आप लोगों को लगता है कि मजाक लगता है कि भैया बना दिया गया, उसको पूरा पूरा रेडी करने में वीडियो बनाने में 30 मिनट का वीडियो कभी बनाने बैठिए ना लगातार, तब आपको पता चले कितना मेहनत लगता है कंटेंट रेडी करने में।
तो जो भी बच्चे देखिए सेमेस्टर थर्ड में है जनरिक पेपर से हट जाएगा, इस बार आपका देखिए बहुत सारा एक्स्ट्रा पेपर जुड़ जाएगा, लाइफ स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साइंस एंड लाइफ, बहुत सारा पेपर मैं मानता हूँ, ठीक है। आपसे बच्चों इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा, इस बार मैं सेमेस्टर फोर में देखिए नहीं बताऊंगा, स्पष्ट कर देता हूँ कि सिक पेपर इस बार नहीं बताने वाला, क्योंकि देखिए इतना मेहनत करने के बाद अगर ये अगर हाल दिखने मिलता है तो भैया ठीक है, जय राम जी की, मैं नहीं बनाने वाला इतना मेहनत से। आप लोग इस पेपर से पढ़ना है, पढ़ लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिलेबस तक आपको कलेक्ट कर दूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं, पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाता है भैया। इतना मेहनत लगता है, 4 से 5 दिन लगातार बनाना है, रात 1.5-2 बजे तक जगना पड़ता है इस चक्कर में, सोच लीजिए कहां रात 1.5-2 बजे तक आप जग के बना लीजिए कंटेंट, बोलिए नहीं बनाए छोड़ देते। तो सोचिए मैंने इतना मेहनत से बनाया, लगभग लास्ट दिन 5 से 6 बच्चों देखा, उससे पहले बना के कोई फायदा नहीं होता, क्या बना के करूंगा। तो जो भी बच्चे देखिए रिजल्ट का प्रतीक्षा भी मत करिएगा, सेमेस्टर फोर का एग्जाम का तैयारी करिए, मई जून जून में लगे लगभग लगभग बता दे रहा हूँ, जून के आसपास आपका एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा लेगा। जून नहीं होगा तो जून में आपका यूनिवर्सिटी बंद रहता है, जून ना हो जुलाई में, समय तो आपको चाहिए ना, पेपर कंप्लीट करना है, इतना सारा एडमिशन है, कहां से कंप्लीट करिएगा, सोना है सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार मुझे सलाह देना आपका काम है, वो मैं आपको सलाह देते हैं, जाना जागृत करना चाहता हूँ, बाकी आपसे बच्चों क्या करना है क्या नहीं, अब आपसे बच्चे होशियार है। तो ये सारा का सारा जो डिटेल था मैंने कंप्लीट बता दिया, आशा करूंगा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर दे, नहीं पसंद है डिसलाइक कर दीजिएगा, वो आपकी इच्छा, मैं आपको सही बताना है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, अब आपकी इच्छा, देखिए आपको क्या सही लगता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लीजिए।